परमात्मा ने जो भक्ति करनी है तो भगत की तरह रहना पड़ेगा, बुराइयों से भी बचना होगा और एक बहुत ही साधु भाव में रहना पड़ेगा, किसी की आत्मा नहीं दुखावे। ठीक है, आपको धीरे धीरे सेट होने में टाइम लगेगा। जैसा भी जिसका व्यवसाय है अब वर्तमान में, उसमें एक साधुता लाओ। जैसे कोई मजदूर है, सेवा कर रहा है किसी के, और भगत हो गया तो वो तन मन धनता सेवा करे उस मालिक के उसमें, क्योंकि वहाँ से उसने रोटी मिल रही है। और फिर परमात्मा ऐसी प्रेरणा करेगा उस मालिक के अंदर, देख भगत आदमी होते ऐसा हो भाई, कोई चीज़ पड़ी रहो घर में, उसके लिए मिट्टी समझे चाहे पैसा हो चाहे सोना हो कुछ भी हो, अपनी मिली हुई दो रोटी यानी दो जो दिहाड़ी मिलती है उसमें संतोष सब्र करके देखे कितनी इज्जत बनेगी उसकी और कितनी विनम्रता और उसके प्रति सद्भावना और उसका आदर बनेगा उस मालिक के हृदय में। इसी प्रकार अगर आप मालिक हैं, भगत हैं, आपके यहाँ कोई सेवादार सेवा करता है, उनको अपने बच्चों की तरह समझें, उनको भगवान के बच्चे समझें। वो बालक सेवा कर रहे हैं, भगवान के बच्चे हैं, उनको प्यार दे और उनके साथ कोई ऐसा गलत बर्ताव नहीं करे। और फिर कुछ दिनों में उनके दिल में ऐसी भावना होगी, परमात्मा दोनों तरफ रोल करता है जब हम मालिक के अनुसार चलेंगे, फिर उन बच्चों में भी उन सेवादारों में भी ऐसी भावना भर देगा भाई हमारे जैसा नालायक नहीं से इसे ऐसे भले आदमी के घर में राम 19-21 कराएंगे, सेवा में मजदूरी में 21 काम कराया करेंगे वह। तो इस तरह कितना अच्छा माहौल बनेगा। और हम जैसे मालिक तो समझता है कि पैसे जो 100 रुपये और काम खींचूँ 1000 का, और मजदूर क्या समझते हैं रुपये लेवा 500 और काम करा 100 रुपया का, दोनों की नीत खराब और दोनों दुखी, कर्म भी बिगड़े, टेंशन बनी रहे। तो इस प्रकार हमने अपने इस अंतःकरण के अंदर एक साधु भाव लाना पड़ेगा और तब देखना आपका वातावरण कैसे बदलने लगेगा, कैसे बदलने लगेगा पूछो मत। तो तब हम यहाँ भी सुखी होंगे, आपको चिंता नहीं रहेगी कि वहाँ सेवादार सेवा कर रहे हैं, वो अपने तन मन धन से सेवा करेंगे भगवान से डर के, वो भगवान से डरने वाले हो जाएंगे, फिर बात तो खत्म हो जाएगी। अब तो आग लगी पड़ी है, रिश्वत ले ले, यूँ ले ले।